जय हिंद साथियों, वेलकम टू सुपर स्काई क्लासेस। आज आ चुके हैं आपके सामने बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर के। आज आपको मैं बताने वाला हूं, सबसे पहले तो सभी लोगों के लिए हिंदी दिवस की, विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस हिंदी के दिवस पर आज आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, सरप्राइज कहें या गिफ्ट कहें, आपके लिए आज बहुत बड़ा सुपर स्काई क्लासेस की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। और वो सरप्राइज क्या होगा वो आपके लिए अभी मैं बताने जाऊंगा। उससे पहले मैंने आपके लिए सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई दी, और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ। जैसे मान लो, जैसे हिंदी की अगर हम बात करें तो अभी सुपर स्काई क्लासेस पर कोई ऐसा टीचर नहीं था जो प्रॉपर आपके लिए पूरी किसी भी कोर्स की, जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके बारे में पूरा एक स्टार्टिंग से लेकर जीरो से हीरो तक ऐसा कोई योद्धा अभी तक था नहीं, ठीक है। उसी श्रेणी में आज हमारे पास में एक और अनमोल रत्न, हिंदी के एक बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी बोल सकते हैं, है ना। उनके पास में टीचिंग का अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 to 6 ईयर टीचिंग का एक्सपीरियंस है, कंपटीशन के क्षेत्र में ही उनका एक्सपीरियंस है। तो उनके लिए हम जोड़ना चाहेंगे, मैं उनके लिए बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा, बहुत बहुत वेलकम है मोहित सर, आप आइए और दो शब्द कहें। नमस्कार, पहले तो सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आज हम लोग विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं और सर ने बताया कि हम तैयारी करेंगे, और अभी तक हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, है ना, हमारे पास हिंदी विषय, मेरा विषय, मेरा नाम मोहित है और मेरा विषय जो रहेगा वो हिंदी रहेगा। और हिंदी में कहीं ना कहीं हम सारे के सारे जितने भी यूपी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गए, आपके जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो गई, एसएससी में एसएससी जीडी हो गया, या बैंक के कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिसमें हिंदी आती है, तो हम जो है सभी एग्ज़ाम्स को कवर करते हुए हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी हम लोग प्रारंभ करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक पूरी कवर करेंगे, और हमारी एक डेली एक सीरीज़ होगी। आपको हफ्ते में 4 से 5 क्लासेस आपको हिंदी की मिलेंगी जिसमें हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि सर ने बताया है, अभी तक मैं 5 से 6 वर्ष लगभग मुझे हो गए हैं मैं ऑफलाइन कक्षाओं में पढ़ा रहा था, बच्चों से इंटरेक्ट हो रहा था, सिलेक्शंस भी हुए हैं, चाहे वो एसएससी जीडी के हो गए, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल के हो गए, है ना। तो अब मुझे सौभाग्य मिला है कहीं ना कहीं सुपर स्काई क्लासेस से जुड़ने का, और हाँ, तो मेरा तो प्रयास रहेगा कि मैं जो दे पाऊँ सुपर स्काई क्लासेस के लिए वो दे पाऊँ, और बच्चों के लिए जो कर पाऊँ वो मैं, सौभाग्य है मेरा, और बकाया आप लोग का समर्थन मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो जैसा कि आज विश्व हिंदी दिवस है जिसकी आप सभी को, सभी हिंदुस्तानियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है ना, और सब हिंदुस्तानी क्या बल्कि पूरे विश्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज हम विश्व हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं भारतेंदु जी की कुछ लाइनें लेना चाहूँगा। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, विन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एको शूल, विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करहु भाषा में ही प्रचार। अर्थात निज भाषा जो उन्नति है, यानी कि जो हमारी निज भाषा है उसकी उन्नति ही सभी उन्नतियों का मूल है, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एको शूल, अर्थात बिना निज भाषा ज्ञान के हमारे हृदय का जो दर्द है वो हम व्यक्त भी नहीं कर सकते जब तक कि हमें निज भाषा का ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। और विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, विविध प्रकार की शिक्षाएं, कलाएं और अनेक प्रकार का ज्ञान हम लेंगे, और उसका जो प्रचार है, ठीक है ना, सब देशन से ले करो भाषा में ही प्रचार। अर्थात आप शिक्षाएं भले ही किसी भी देश की लें, किसी भी संस्कृति की लें, लेकिन उनका जो आपका प्रचार होना चाहिए वो हमेशा अपनी मातृभाषा में ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो भारतेंदु जी की ये जो लाइनें थी, ये जो पंक्तियां थी, उनको हमने देखा, और इसी के साथ आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। और हम लोग डेली क्लासेस करेंगे, और क्लासेस में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे जिनमें हिंदी आती है उन सभी को कवर करते हुए हम तैयारी करेंगे, और हम शुरू करने जा रहे हैं कल से, कक्षाएं जहां तक शुरू हो जाएंगी, है ना। तो देखते हैं, तैयारी हम लोग साथ में करेंगे, मुझे आशा है कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे और पढ़ेंगे और पढ़कर देखेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।